यह है अंतिम वीडियो हमारे समाज तक पहुंचने का। लोग कैसे सोचते ये समझना और कैसे उन्हें सही समय पर मिलना जब वे तैयार होते हैं उस समय, ठीक है। कुछ बातों को बोलकर मैं इसे खत्म करना चाहूंगा कि सुसमाचार के विषय हम क्या सोचते और परमेश्वर के कार्य के विषय क्या सोचते, ये गलत प्रश्न है। जब लोग पूछते हैं कि कितना दाम चुकाना पड़ेगा, ये गलत प्रश्न है। क्यों? क्योंकि सही प्रश्न है किस तक आप पहुंचोगे, किस तक आप पहुंचोगे, क्योंकि ये किसी के विषय है, ये किसके विषय है। हम पैसों पर रुक जाते हैं और कीमत पर रुक जाते हैं, लेकिन इसकी बजाय हमें निवेश पर विचार करना चाहिए, हमें निवेश के विषय सोचना चाहिए। निवेश ऐसी बात है जिससे परमेश्वर आप तक और मुझ तक पहुंचना चाहता है। उसने यीशु को भेजा और सभी बातों को उसने निवेश किया जिससे वो हमें फिर से प्राप्त करे। तो जब कलीसिया सुसमाचार के विषय सोचती है तो ये समाज तक पहुंचने के विषय में सोच रही है। इसे निवेश के रूप में ही सोचना है, इसलिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। फिर भी एक कारण से हम इतने सीमित है, जिस रीति से हम लोग सुसमाचार को सुनाते हैं या मसीह को उन तक लेकर जाते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम इसे सिर्फ एक कार्यक्रम बनाकर रख देते हैं। हम योजना और बजट के लिए इसे सीमित कर देते हैं और यहीं पर हम जूझने लगते हैं। हमें भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें आवश्यक है, भिन्न प्रवेश, भिन्न योजनाएं लोगों तक पहुंचने के लिए। कृपया सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें, ये कोई खर्चा नहीं है। सुसमाचार प्रचार करना ये कोई खर्चा नहीं है, ये तो हमेशा एक निवेश है, जैसा यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। सुसमाचार पर किया गया खर्च एक निवेश है। और एक बात मैं चाहता हूँ कि आप लिख लें कि कलीसिया पैसों की समस्या में कभी नहीं थी। हमेशा हम धन के विषय में बात करते, धन की नहीं लेकिन योजनाओं की समस्या होती है। अगर आप बैठकर किस तक पहुंचने वाले हैं ये ना सोचे और आपकी ऊर्जा का और आपकी योजना का प्रतिफल क्या निकल कर आएगा, फिर अंततः आपके पास में इस बात को करने का एक सीमित उपाय रहेगा। लेकिन अगर आप बैठकर इसमें समय को निवेश करते हैं और बाकी लोगों के साथ में बैठे उनसे बातें करें, तो आपको और अधिक ज्यादा योजनाएं मिलेगी। और योजना ही एकमात्र क्षेत्र है जिसमें हम सीमित है हमारे आउटरीच के दौरान में, ठीक है। तो इसी रीति से हम अपने इस सेशन को खत्म करते, लेकिन असली कार्य अब शुरू होता है जहाँ पर आप जाकर इसे आरंभ करते हो, जहाँ पर आप अपनी टीम को, पास्टर की टीम को और सेविका की टीम को एक साथ लाते हो, लोगों के विषय में बात करते हो, उनके जरूरतें और चिंताओं के विषय में बात करते हो। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न है। अगर बजट आपको रोकता है उस पर काम करें, अगर आपको विचारधारा रोकती है तो उस पर काम करें, अगर आपके कलीसिया के द्वार छोटे हैं, मेरा मतलब आप समझ गए, तो आपको इसे बड़ा करना होगा, उस पर काम करना होगा। तो समाप्ति के समय और एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, क्या होगा अगर कलीसिया के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ आप अपने आसपास के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हो। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपके पास में जमीन है जो कि औसतन कमाई का क्षेत्र है और वहाँ भिन्न भाषाओं को बोलते हैं, जो आप बोलते हो वैसी भाषा वे लोग नहीं बोलते हैं, और आपकी कलीसिया वहाँ है और आप ऐसे भीड़ के पीछे चलना चाहते हैं जो पहले से ही नगर में घुस चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पुनः विचार करना होगा, फिर कलीसिया के विषय सोचना होगा। कलीसिया को हमें फिर से बनाना है, दूसरी जगह चले जाए, कहीं और कलीसिया बना लीजिए, लेकिन जहां आपका समाज है वहीं पर आप बने रहे, अपने समाज में बने रहे। इस समाज को आप पूर्णता भूलकर दूसरे समाज की ओर जाते हैं, ये तो गलत है। आपका समाज जहाँ है वहीं रहे, और यही तो वो कौन है जो सच में आपको सफलता पाने के लिए मदद करेगा। अपनी सामर्थ्य को आप प्राप्त कर ले, क्या करने वाले हैं आप उसे जान लीजिए, बेहतर आप क्या कर सकते हैं, आप पुनः निवेश कीजिए, आपकी योजना क्या है उसके विषय में सोचिए। और अगर आप बहुत ही दूर है उस समाज से, असल में तो आप आगे बढ़ो और नई सभा को आरंभ करो, तो इसे आप भूल जाए, कुछ नया आरंभ करें। परंतु फिर सोचिए, निरंतर रूप से ड्रॉइंग बोर्ड की ओर हम लोग वापस जाते और पूछते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या जरूरतें पूरा तो देख सकते हैं, परिणाम को प्राप्त करते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी सेवकाई में परिणाम को नहीं देख पा रहे हो, ऐसा नहीं कि प्रभु आशीषित नहीं करना चाहता है, ये इसलिए क्योंकि आपको मुड़कर ये पूछना है, क्या ऐसी कोई बात है जो मेरी सेवकाई में मुझे उत्तेजित करता है, क्योंकि प्रभु लौट कर आएगा, वो आपके साथ है, वो तो इसे पहले से ही कर रहा है, आप ही हो जो उससे जुड़ गए उसके मिशन पर। क्या आप अपने मार्ग पर चले गए, या फिर आप संतुष्ट हो चुके हो, इस विषय में कोई बात हुई थी, या फिर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हो और बदलाव को लाए,
ताकि परमेश्वर आपके द्वारा ये कार्य करे। इन बातों पर विचार करें। प्रश्न और कोई और बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिस पर बात कर सकते, विचार विमर्श कर सकते। ऐसा ही है। प्रभु आशीष दे।